हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज रैयान जोहान थोड़ा सा ज़िद कर रहे हैं दोनों बाहर जाने के लिए, तो मैं उनको थोड़ा सा यहीं घुमाने ले जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुजफ्फरनगर जाने का भी क्लियर नहीं हुआ है। दो तीन दिन में हम निकलेंगे ज़रूर। मैंने आपको लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि मैं किसी चीज़ की तैयारी में लगा हुआ हूँ, अगर वो तैयारी हो जाती है तो उसके साथ हम बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, अभी देखता हूँ मैं उनको कहीं ले ले जाने का प्रोग्राम है दोनों को, देखते हैं किधर की तरफ आज कौन उन जाते दोनों का दिल हैं। कर रहा है कि डैडी हमें बाहर किसी ढाबे पे खाना खिला के लेकर आओ आप, कुछ दाल मखनी वगैरह टाइप, या कुछ छोले भटूरे, छोले कुलचे वगैरह कुछ टाइप, ऐसा कुछ खिला के लेकर आओ। तो मैं अभी उनको लेके निकल रहा हूँ यहाँ से, देखते हैं कि किधर की तरफ जाना होता है। जैसा भी होगा हम आपको ज़रूर। दोस्तों, ये अब हम घर की तरफ वापसी आ गए हैं अपने। यहाँ से घर हमारा थोड़ी सी दूरी पर है, बस हम घर पहुँचने वाले हैं। ये सब एरिया न्यू जाफराबाद का लगता है, सी ब्लॉक। घर जो है हमारा सी ब्लॉक में है, न्यू जाफराबाद। ये बस हमारी आगे गली आने वाली है, अब हम राइट टर्न होके अपनी गली के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी गली है दोस्तों, और ये अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी गली में दो मकानों में काम चल रहा है। ये आ गए हम अपने घर के पास। देखिए दोस्तों, ये दोनों घूम कर आ गए हैं, और इन्होंने रास्ते में वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, ना छोले भटूरे, ना कुछ दाल मखनी, कुछ नहीं खाया। और जब भी मैंने पूछा, जब ये कहते रहे कि अभी हमें तो भूख नहीं लग रही, हम नहीं खा रहे डैडी अभी कुछ भी। और फिर अब इन्होंने यहाँ पर आके वापसी में बिरयानी ख़रीदी, कह रेडी बिरयानी ले लो, हम बिरयानी घर पे जाके खाएंगे आराम से बैठ के। तो अब ये दोनों बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी लिए इन्होंने, चिकन की बिरयानी है। जोहान ये तो खोल लो आप अपना, ये गले पे बंधा हुआ आप बांध के गए थे मास्क की जगह। थक गए आप दोनों? ये देखिए दोस्तों, ये रोहतास नगर की मार्केट है, और ये शाहदरे में पड़ती है। शाहदरा मेट्रो स्टेशन से उतर के आप रिक्शा कीजिए रोहतास नगर की मार्केट के लिए, बहुत वहाँ से बहुत पास है। ये देखिए दोस्तों, ये हम रोहतास नगर गए थे, फातिमा और मैं और हानिया, हमारे साथ जोहान भी था, मगर जोहान जो है बाहर स्कूटी के पास खड़ा हुआ है। हम गए थे यहाँ पे रैयान, जोहान, हानिया के लिए कपड़े लेने के लिए सर्दियों के, मगर अभी सर्दियाँ क्योंकि आने ही वाली हैं, मगर अभी दुकानों पर माल नहीं है ज़्यादा सर्दियों का आया हुआ, तो हमने थोड़े बहुत कपड़े ऐसे ही ले लिए। ये बहुत अच्छी दुकान है रोहतास नगर के अंदर, यहाँ पे बच्चों के जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनके सब कपड़े मिल जाते हैं। हानिया के हम शुरू के सारे कपड़े, जब हानिया हुई थी हमारी तो हम सारे कपड़े यहीं से लेकर आए थे हानिया के। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको हमने क्या क्या लिया हानिया के लिए। ये एक हमने पिंक ड्रेस ली, इसके साथ ब्लू कलर का पजामा था, और मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है हानिया के हिसाब से। मैं भी इसकी एक ब्लू कलर की ड्रेस लाया था जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई भी थी। अभी दो पिंक कलर के सूट लिए हैं हमने, ये देखिए आप, ये दोनों ही डिज़ाइन अलग अलग हैं।
मगर ये मैंने दोनों ही पिंक कलर के ले लिए, और एक ब्लू कलर का भी लिया है हमने। ये देखिए आप, ये हम बच्चों के कपड़े लेकर आए हैं रोहतास नगर से। ये दो दो लोअर हैं, दो लोअर जोहान के हैं, दो लोअर जो हैं वो रैयान के हैं, और हानिया की ड्रेसेस लेकर आए हैं। ये फिरोज़ी कलर है हल्का सा, ये पिंक कलर है। तीन जो हैं हमने पिंक कलर की ड्रेस ली है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है और मीडियम पिंक है। और उसका बिब और उसके जो हैं हैंकी भी हम पिंक कलर के लेकर आए हैं। पिंक कलर के अंदर उसका कलर भी बहुत फेयर लगता है हानिया का, बहुत गोरी गोरी सी, गोलू गोलू सी लगती है वो पिंक कलर के अंदर। इस वजह से मुझे ज़्यादा पिंक कलर ज़्यादा पसंद है उसके ऊपर, वो बहुत प्यारी लगती है उसको पहन के पिंक कलर को। इस वजह से मैं ज़्यादा ज़्यादा उसकी चारों की चारों ड्रेस, नहीं तीन ड्रेस मैं उसकी पिंक कलर की लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये रात के खाने का इंतज़ाम हो रहा है, तैयारी चल रही है रात के खाने की। और ये फातिमा ने आज बनाया है कढ़ाई चिकन गोश्त, कढ़ाई चिकन गोश्त नहीं, कढ़ाई मसाला चिकन, ऐसे कुछ नाम है इसका, मैं नाम भूल गया इसका नाम क्या है। और ये सब चीज़ें रखी हैं इसमें डलने के लिए। अभी ये थोड़ा सा चिकन, अभी इसका थोड़ा सा पानी जो है, फातिमा बता रही है कि इसका थोड़ा सा पानी अभी सूख जाए फिर उसके बाद। तो अब ये देखिए, ये चिकन के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डल रहा है और शायद हरा धनिया भी मिला रखा है इसके अंदर। इसकी रेसिपी आपको फातिमा आराम से समझाएगी किसी दिन। हानिया ने रो रो के आज दिमाग ख़राब कर रखा है, सुबह से बहुत रो रही है वो, उसे नज़ला हो रहा है। अभी हम जाएंगे उसे दवाई दिलवाने के लिए भी। ये सब सामान इसके अंदर होले होले डलेगा होले होले करके ये सारा सामान इसके अंदर हम डालेंगे, और ये चिकन जो है फिर मुर्गा बन जाएगा रफ्ते रफ्ते करके। पहले भी फातिमा ने बनाया था ये चिकन कढ़ाई, बहुत बेहतरीन बना था। इसी वजह से आज मैंने फातिमा से बोला कि तुम इसे दोबारा बनाओ और हम इसकी रेसिपी सबको दिखाएंगे। मगर वो हानिया ने इतना रोना डाला, इतना रोना डाला कि वो फातिमा को जल्दी जल्दी ये पकाना पड़ गया अभी हम जा रहे हैं हानिया को दवाई दिलवाने के लिए, बस ये सालन तैयार हो जाए फिर उसके बाद पहले हम उसे दवाई दिलवा के लेकर आएँ, वो बहुत परेशान कर रही है। अभी फातिमा ने बताया कि थोड़ा थोड़ा सा जब पकेगा ना इसका पानी कम हो जाएगा और ये हल्का सा मेहरून कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का, तो हम समझ लेंगे कि ये पक गया और अब ये खाने के लिए तैयार है। आप लोगों को इसकी अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के अंदर मैं आपको इसकी रेसिपी सब बता दूँगा किस तरीके से बनता है ये। अब ये देखिए पास से कितना अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल बटर चिकन की तरह लग रहा है, जैसे बटर चिकन होता है ना बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, मगर इसका जायका बटर चिकन से अलग है। अभी इसकी भुनाई चालू है और ये भुन भुन के एक दिन मुर्गा ज़रूर तैयार हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसका जायका क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब हम करेंगे इसकी डेकोरेशन। तो दोस्तों, सजने के बाद पूरा चिकन आपके सामने है, पूरा इसको सजा दिया गया है। बेचारा अच्छा खासा ज़िंदा खड़ा था जब मैं गया था वहाँ पे मुर्गा, और आज ये वहाँ से आने के बाद कटने के बाद अब इस डिश के अंदर पड़ा है हमारे सामने। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 10:30 और अभी हम खाना खाएंगे तकरीबन 11:30 तक, क्योंकि अभी हानिया की तबीयत सही नहीं हो रही। तो हानिया को अभी दवाई दिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं और फातिमा जा रहे हैं, उसे थोड़ा ज़ुकाम है और हल्का हल्का सा बुखार भी है। देखिए दोस्तों, ये बिट्टू आया है और अपना मुंह छुपा रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको पास से ये देखिए, ये अपना मुंह छुपा रहा है। आहिर ये रहा, आहिर तो आ गया सामने मगर ये बिट्टू है ये अपना मुंह छुपा रहा, कह रहा है मैं कल से आऊँगा वीडियो के अंदर। ये हानिया है हमारी, ये लेटी हुई हानिया। हानिया दवाई ली आई आप? ये हानिया आप दवाई ली आई? हाँ जो कर रही है, हाँ गर्दन ही लागे। चलिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबको मिलती रहें, नई नई वीडियो आपको मिलती रहें मिट्टू ने फिर मुँह छुपा लिया चलिए ठीक है, ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।